Okay, why is acting so difficult? सबसे कठिन चीज एक्टिंग में क्या होती है, वो ये होती है कि आपको पहली बात तो जो आप हो है ना, आप जो हो आपको नहीं हो जाना होता है, आपको अपने आप से अपने आप को खाली करना होता है, कोई नई किसी नए बंदे को अपने अंदर लाना होता है ना। अब हम इसको एक यदि उदाहरण से समझें, यदि मुझे सी फॉर एग्जाम्पल यू आर माई स्टूडेंट्स है ना, आप जानते हो मुझे किन किन चीज़ों से नफरत है ना, तो पहली चीज़ तो ओके इट्स सेल्फी है ना, दूसरा जब भी मैं क्लास में आता हूँ और मुझे दिखता है कि पंखे क्यों चल रहे हैं, लाइट्स क्यों चल रही हैं, यदि एसी चालू है तो खिड़की क्यों खुली हुई है, यू नो ऑल दिस राइट, सो वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ देन कुछ बच्चे कहते हैं आई एम वेरी फसी अबाउट पंक्चुअलिटी, ठीक है, वेरी फसी अबाउट पंक्चुअलिटी, नाउ इमेजिन इन ए फिल्म आई एम गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ समवन हु इज ए सेल्फी फ्रीक, ठीक है ना, उसको बहुत सेल्फी लेना बड़ा मजा आता, मतलब सुबह उठ के पहले है ना सबसे पहले सेल्फी लेगा, चाय पी रहा उसकी सेल्फी, सब हर चीज की सेल्फी है ना, और उसको कोई होश नहीं है कि लाइट जल रही नहीं जल रही, बिल्कुल बेहोश है ना, और तीसरी चीज है फसी अबाउट पंक्चुअलिटी, तो वो बंदा बड़ा लेट लतीफ है, पता नहीं कब आना है, किसी को बोला 1 बजे आऊंगा, पता ही नहीं है, 2 बजे पहुंच रहे 4 बजे पहुंच रहे। अब थोड़ा इसको समझ के देखो, ये कितनी कठिन बात है कि मुझे एक ऐसा रोल करना पड़ रहा है जो मेरे नेचर से मेरे स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है, समझ आ रही बात। याद रखना एक्टिंग का सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है, सबसे कठिन हिस्सा जो होता है वो यही होता है। अच्छा इसको ऐसा समझते हैं, आप कभी गौर करते होंगे कि जैसे आप पंजाबी हैं, आप लोग ज़्यादातर लोग हैं ना, तो जब आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो जो आपकी मदर टंग होती है उसका असर होता है ना, बोलते वक्त उसका असर होता है आपके ऊपर, वैसे ही आप कितनी ही कोशिश कर लें अपनी पर्सनैलिटी को अलग करने की, अपने आप को अलग करने की और किसी दूसरे बंदे को वहाँ रखने की, लेकिन क्या होता है वो जो पर्सनैलिटी होती है वो बार बार इंटरफियर करती है, बार बार आती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप तो नहीं हो वहाँ, आप केवल एक परिस्थिति में हो सकते हो, केवल एक परिस्थिति में, जब आप क्या बना रहे हो बायोपिक बना रहे हो, उस बायोपिक में आप ही हीरो हो, तब तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सोचो इसको आप समझने की कोशिश करो कि आप जैसे हो मान लो है ना, आपको बिल्कुल ही किसी दूसरे अभी हम बात कर रहे थे जैसे पंजाबी फिल्म होती है कॉमेडीज खासकर, वो रिपीटेटिव सी होती हैं, वो एक सी ही कॉमेडी होती हैं, जैसे जसविंदर पल्ला है, ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक फिल्म में उन्होंने कोई एक प्रकार का रोल किया और दूसरे में बिल्कुल दूसरा रोल किया, जैसे कि पीके में वी सी वन काइंड ऑफ आमिर खान, वन फेस ऑफ आमिर खान, लेकिन गजनी में बिल्कुल दूसरा आमिर खान है, लगान में बिल्कुल दूसरा आमिर खान है, ठीक है, तीन तीन आप आमिर खान, तीन आमिर खान को यदि आप रखो अपने सामने है ना, पीके दंगल ए लगान और गजनी है ना, गजनी, ये कितना मुश्किल होता है आपने कभी गौर करके देखा है, यदि आमिर ने पीके की उसके बाद एक तो पीके को लाना, अंदर लाना होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि आपने बोला कि हाँ जी जाओ वो फिल्म हो गई निकलो यहां से, कितने इंप्रेशंस पड़ते हैं अंदर है ना, और वो इंप्रेशंस आप जब नए नए रोल करते हो तो उसमें क्या करते हैं, वो इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं,
मान लो रोल कर रहे हैं वो दंगल का या लगान का, वो पी के फिर आ गया, यू फॉलो दैट? अभी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है एक्टिंग करना, क्योंकि कभी इसके पहले नहीं किया कोई ऐसा रोल, तो पुराना कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? लेकिन नया कुछ करोगे, इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को डीपर्सनलाइज करना सीखो, आप कैसे अपने आप से खाली हो जाते हो, है ना? अभी हमने उस दिन ये बात की थी कि है ना, ये हमने सर्कल बनाए थे, नाउ दिस इज यू, योर रियल सेल्फ, ओके? अब आपको सबसे पहले हम पानी की बोतल की बात की हमने, पानी यदि किसी बोतल में ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें तो और कुछ नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ डालना है तो पहले पानी को निकालना होगा, ठीक है? हमने ये रियल सेल्फ आपका पानी है, ये बोतल है, इसको आपने निकाल दिया, ठीक है? निकालने के बाद ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया तो इसके अंदर आपने क्या भर दिया, नया पानी भर दिया, वो नया पानी क्या है, वही है फिक्शनल सेल्फ, है ना? अब आप कुछ, आप ये नहीं हो जो आप थे, क्या आपको लगता है ये इतना सब आसान होता है कि अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना, सेट योर सेल्फ असाइड कंप्लीटली, ओके, एंड ब्रिंग समबडी एल्स इन योर प्लेस? दैट्स एक चीज होती है ना, कि यदि आपको ये पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर तो आप घंटों मेहनत करते रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं आना, परिणाम नहीं आना, ठीक है? इसीलिए ये अब हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये सेकेंड स्टेट है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यहां से यहां तक कैसे पहुंचना कि अपने आप को खाली कर लो। और आपको नहीं लगता यदि आप ऐसे बन जाओ कि आप पानी बन जाओ और आपका शरीर क्या एक बोतल बन जाए, जब मर्जी अपने आप को निकाला, खाली हुए किसी और को डाल दिया, है ना? इट कैन बी दैट इजी इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन। इसीलिए हमने अभी उस दिन ओम का उच्चारण किया था, आपको पता होगा, है ना? उसके बाद हमने मेडिटेशन पे भी बात की। मेडिटेशन मैंने इतना जो कुछ साहित्य पढ़ा है, देखा है, ज़्यादातर लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मेडिटेशन कैसे इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बड़ा आसान बना सकता है। मेडिटेशन बेसिकली क्या होता है, विचार शून्य होना, अंदर से खाली होना, एम्प्टी, है ना? जब मैं भी एक्टिंग करता हूँ तो मेरे साथ यही होता है, आई सिंपली एम्प्टी माई सेल्फ एंड अलाउ। जब उस दिन मैं एक्टिंग कर रहा था, यदि मेरी बेटी घूम गई मान लो, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आई नेवर पैनिक, कुछ गुम जाए या मिल जाए, है ना? बट अभी मैं कपिल नहीं हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आम जिंदगी में आप हो सकता है बड़े शांत से हो, लेकिन सोचो अब मान लो रंजन है बड़ा शांत है या शौर्य बड़ा शांत है, अब इनको बहुत गुस्से वाली एक्टिंग करनी हो तो मुश्किल होगी ना, क्योंकि बार बार जो इनका रियल नेचर है वो बार बार क्या करेगा, वो इंटरफियर करेगा, बीच में आएगा, यू फॉलो दैट? इसीलिए आने वाली क्लासेस में हम इस पर भी ध्यान देंगे कि हम मेडिटेशन कैसे करें। और आपको सबसे ज़रूरी बात, घर में जितना हो सके आप समय दो मेडिटेशन वगैरह, यदि आपने वो कर लिया 90% काम आपका कम हो जाएगा। और बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई नो इट वर्क्स एंड इट वर्क्स वंडरफुली, ठीक है? तो जब भी आप को रोल जब दिया जाए तो आप सबसे पहले थोड़ा लिखा करो कि ये मैं हूँ और मुझे ये करना है। तो आपको ये देखना है कि जो आप रियल हो और फिक्शनल हो उसके बीच की दूरी कितनी है। आम जिंदगी में जैसे आप बड़े चुलबुले से हो और उस फिल्म में भी चुलबुला, तो फिर तो समस्या है नहीं कितनी, लेकिन बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट, एक दूसरे से अलग हो जाए रोल, वो करने में आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी।